हेलो एवरीवन, दिस में मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के समरी को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एज अ नेम सजेस्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे अच्छा सबसे बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट दुनिया में, इस चैप्टर का मीनिंग है। नाउ लेट्स लुक एट दिस। First is the roll top. The author found a roll top desk in a junk shop. जो author है, जो इस कहानी को जो लिख रहे हैं, उनको एक roll top desk मिला एक junk shop में, कबाड़ी की दुकान में। It was in a bad condition but cheap. और जो roll top था वो बहुत ही bad condition में था, बुरी हालत में था, पर बहुत ही सस्ता था। He thought that he could restore it. और उन्हें लगा कि वो इसको रिस्टोर कर लेंगे, अच्छे से बना लेंगे दोबारा से। सो ही बॉट इट, तो इसलिए उन्होंने खरीद लिया। ही बिगैन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और फिर उन्होंने उस पे काम करना शुरू किया क्रिसमस वाले दिन पे। द लेटर, अब हम लेटर के बारे में बात करते हैं। ही पुल्ड आउट द ड्रॉअर्स, फिर उन्होंने ड्रॉअर जो दराज थे रोल टॉप डेस्क में, उनमें से उनको निकालना शुरू किया। He found that these had been badly damaged by fire and water. फिर उन्होंने ये पाया कि जो drawers थे वो बुरी तरह से damage हो चुके हैं। वो बुरी तरह damage हो चुके हैं fire और water से, आग और पानी लग के बहुत तरह बुरी तरह से damage हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। The man who sold it had told him that it was very old. और जिस आदमी ने उन्हें ये बेचा था उसने बताया कि बहुत ही ज्यादा पुराना है रोल टॉप डेस्क। इट वॉज ऑफ 19th century, और ये 19वीं शताब्दी का है। एंड मेड ऑफ ओक, और ये ओक से बना हुआ है। ओक एक लकड़ी होती है, एक तरह की लकड़ी होती है। द लास्ट ड्रॉअर हैड स्टक फास्ट, और जो जो लास्ट ड्रॉअर था, दराज था, बहुत ही बुरी तरह से लगा हुआ था वो। He had to use much force to open it. और उसको खोलने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर, फोर्स लगाने की जरूरत थी। When it opened, और जब ये खुला, it revealed a secret space. और उसके अंदर भी एक secret space था, एक और जगह थी उसके अंदर छोटी सी। In it he found a small tin box. और उसके अंदर उन्हें एक small tin box मिला। On the top of the box these words were written. और उस box के ऊपर, उस बक्से के ऊपर ये सारे words लिखे हुए थे। Jim's last letter. Jim का last letter received January 25th, 1915. ये date लगी हुई थी इसके ऊपर। To be buried with me when the time comes. और इसको मेरे साथ दफनाया जाना चाहिए जब भी मेरा समय आएगा। Inside there was an envelope. और उनके अंदर एक लिफाफा था with the address Mrs. Jim MacPherson, 12 Copper Beaches, Bridport. The date was December 26, 1940. उसके ऊपर ये वाली डेट लिखी हुई थी और ये एड्रेस लिखा हुआ था उसके ऊपर। जिम एंड कॉनी, हम जिम और कॉनी के बारे में पढ़ते हैं। द ऑथर रेड द लेटर, फिर ऑथर ने उस लेटर को पढ़ा। द ओनर ऑफ द डेस्क मस्ट हैव पुट इट इन, फिर उन्होंने सोचा कि जो जो डेस्क के जो ओनर है, जो मालिक है, उन्होंने पक्का इसी के अंदर अपना लेटर लिखा रखा होगा। द लेटर हैड बीन रिटन बाय अ कैप्टन ऑफ द इंग्लिश आर्मी, और जो लेटर था वो किसके द्वारा लिखा गया था, एक कैप्टन थे इंग्लिश आर्मी के, जो ब्रिटिशर्स हैं उस सेना में, जो एक कप्तान रहे होंगे अपने समय के, उन्होंने लिखा था ये। हिज नेम वॉज जिम मैकफर्सन, और उनका नाम था जिम मैकफर्सन। He had written to it his wife Connie, और उन्होंने इस लेटर को अपने वाइफ कोनी के लिए लिखा था। A wonderful incident had happened on the battlefield on the Christmas day, और एक बहुत ही wonderful घटना घटी थी। On the battlefield, battlefield होता है जहाँ पे युद्ध लड़े जाते हैं। On the Christmas Eve, Christmas day के दिन बहुत ही अच्छी घटना हुई, wonderful incident हुआ। कहाँ पे, जहाँ पे वॉर लड़े जाते हैं बैटलफील्ड में। जिम मैकफर्सन हैड नैरेटेड इट इन हिज लेटर, और जो जिम है उन्होंने जो घटना घटी थी
उस घटना को इस लेटर में नरेट किया उन्होंने, बताया उन्होंने। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, ऐसे पल जो कि आप भूल नहीं सकते हैं, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। द इंग्लिश एंड द जर्मन्स वर एट वॉर, उस समय, क्योंकि कहानी 1914 के करीबन लिखी गई है, तो उस समय द इंग्लिश एंड द जर्मन्स युद्ध कर रहे थे एक दूसरे के साथ। इंग्लिश का मतलब है ब्रिटेन, ब्रिटिश। द टू आर्मीज स्टूड इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेंचेस ऑन द टू साइड्स ऑफ द नो मैन्स लैंड, और जो ये दोनों आर्मी थी, जो दोनों सेना थी, वो अपने अपने ट्रेंचेस, ट्रेंचेस होते हैं जो गड्ढे में, जो जमीन में जो बड़े बड़े गड्ढे बनाए दिए जाते हैं, और वहां पे जो आर्मी होती है वो छुपे हुए होते हैं, तो वो अपने अपने ट्रेंचेस में थे दोनों साइड से। ऑन द टू साइड्स ऑफ द नो मैन्स लैंड, अब नो मैन्स लैंड होता क्या है, जब भी कोई बॉर्डर होती है किसी भी दो कंट्रीज की, उसके बीच में कुछ एक स्पेस छोड़ा जाता है और उस लैंड को बोलते हैं नो मैन्स लैंड, यानी कि वो जो जमीन है बीच में वो ना तो इस कंट्री की है ना ही वो दूसरे कंट्री की है। तो वहां पे दोनों आर्मी अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। सडनली मैकफर्सन सॉ समवन वेविंग अ वाइट फ्लैग फ्रॉम द एनमी साइड, और तभी मैकफर्सन ने देखा कि कोई जो एनमी साइड है, जो शत्रु साइड है, जो दूसरे साइड से कोई एक इंसान एक सफेद झंडा फहरा रहा था। अब सफेद झंडा क्यों फहरा रहा था वो? सफेद झंडे का मतलब होता है कि हम सफेद झंडा शो करता है कि हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए। Then he saw many German soldiers calling out to them. फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो जर्मन सैनिक थे वो उन्हें बुला रहे थे, क्योंकि उस समय तो इन दोनों में लड़ाई चल रही थी। अब जर्मन सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, इनको बुला रहे हैं। They were wishing a happy Christmas to the English soldiers. और वो जो इंग्लिश सोल्जर्स थे उनको वो विश कर रहे थे क्रिसमस के लिए। Some English soldiers shouted back, same to you. और इस साइड से कुछ इंग्लिश सोल्जर्स ने भी बहुत आवाज में चिल्ला के बोला, सेम टू यू, आपको भी क्रिसमस की बधाई हो। द इंग्लिश थॉट दैट वाज ऑल, और उसके बाद उन इंग्लिश लोगों को लगा कि बस इसके बाद, विशिंग के बाद और कुछ नहीं है, बस इतना ही खत्म हो गया सब कुछ, यानी कि आगे कुछ नहीं हो सकता। टू दे सरप्राइज दे सॉ मेनी जर्मन्स मूविंग टुवर्ड्स देम, और उनके सरप्राइज के विपरीत उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो जर्मन हैं वो उनकी तरफ आ रहे हैं, टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। द कैप्टन वॉज अलार्म्ड, और जो कप्तान थे जिम, वो अलार्म हो गए, वो अटेंशन पोजीशन में आ गए वो। इट कुड बी अ ट्रिक, उन्हें लगा कि कोई पक्का ये कोई चाल चल रहे हैं वो हमारे साथ, बट इट वॉज नॉट, पर वो कोई चाल नहीं थी। दे वर ब्रिंगिंग विद देम जर्मन वाइन एंड कैंड मीट, और वो अपने साथ जो जर्मन लोग आ रहे थे वो अपने साथ वाइन लेके आए, कैंड मीट लेके आए। कैंड मीट होते जो डब्बे के अंदर जो मीट ऑलरेडी बना हुआ होता है, उसको हम कैंड मीट बोलते हैं। नाउ देयर वर नो राइफल्स बिटवीन द सोल्जर्स, और जो सैनिक जो आ रहे थे उनके बीच, उनके पास कोई भी राइफल नहीं था। दे वर हगिंग वन अनदर, और वो एक दूसरे को गले लगा रहे थे। द जर्मन ऑफिसर मूव टूवर्ड्स मैकफर्सन, और जो जर्मन ऑफिसर था वो मैकफर्सन की तरफ आया। दे शुक हैंड्स वेरी वार्मली, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हाथों को मिलाया। देन द जर्मन ऑफिसर सेड दैट ही वाज फ्रॉम डसेलडॉर्फ, और जो जर्मन सोल्जर थे उन्होंने हाथ मिलाया और उन्होंने बोला कि वो डसेलडॉर्फ से हैं, एंड दैट ही प्लेड सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और उन्होंने ये बताया कि वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते हैं। सेलो एक वाद्य यंत्र होता है। ही गेव हिज नेम एज हंस वुल्फ, और उन्होंने नाम बताया कि मेरा नाम हंस वुल्फ है। इन रिटर्न मैकफर्सन आल्सो इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, और मैकफर्सन ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। ही सेड दैट ही वाज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, और उन्होंने बताया कि वो डॉर्सेट से एक स्कूल टीचर है। नाउ डॉर्सेट एंड हार्डी, हंस वुल्फ स्माइल्ड, जो हंस वुल्फ थे वो स्माइल किया उन्होंने। ही सेड ही न्यू डॉर्सेट, और उन्होंने बोला कि वो डॉर्सेट को जानते हैं। In fact, he had never been to England. पर असली बात में ये थी कि जो हंस थे वो कभी इंग्लैंड गए नहीं थे, बट उनको इंग्लिश आती थी, बट ही न्यू इंग्लिश। His favorite writer was Thomas Hardy, और जिनके फेवरेट राइटर थे वो थॉमस हार्डी थे। His favorite book was Far from the Madding Crowd, और उनकी जो फेवरेट बुक थी Far from the Madding Crowd थी।
इट वॉज फ्रॉम देयर ही हैड लर्न ऑल अबाउट डॉर्सेट, और यहीं से उन्हें डॉर्सेट के बारे में पता चला, क्योंकि वो असली में डॉर्सेट गए नहीं थे, पर उन्होंने पढ़ पढ़ के डॉर्सेट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की. मैकफर्सन शेयर्ड विद हंस वॉल्ट द क्रिसमस केक हिज वाइफ हैड सेंट फॉर हिम. जो मैकफर्सन थे उन्होंने हंस वॉल्ट के साथ क्रिसमस केक को शेयर किया जो कि उनके वाइफ ने उनके लिए भेजा था. हंस वॉल्ट सेड दैट द मैरजिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. हंस वॉल्ट ने कहा कि मैरजिपन सबसे अच्छी चीज है उन्होंने जो लाइफ में टेस्ट की है. इट वॉज अ वंडरफुल क्रिसमस पार्टी. जो मैरजिपन होता है वो एक लेयर होती है केक के ऊपर जो शुगर जो मीठी चीजों से बनाई जाती है, बादाम भी मिक्स किया जाता है उसके अंदर. और इट वॉज अ वंडरफुल क्रिसमस पार्टी, और ये बहुत ही अच्छा क्रिसमस पार्टी था. ना वॉर और फुटबॉल, अब देखते हैं कि यहाँ पे वॉर होती है फिर फुटबॉल होता है. देन अ सोल्जर ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, और फिर एक जो सैनिक था वो फुटबॉल लेके आया. द सोल्जर्स प्लेड व्हाइल मैकफर्सन एंड हंस वॉल्ट क्लैप्ड एंड चीयर्ड. बाकी जो सोल्जर्स थे उन्होंने आपस में फुटबॉल मैच खेला, और जबकि मैकफर्सन और हंस वॉल्ट तालियां बजाए उन्होंने और लोगों को चीयर किया, उत्साह बढ़ाया. हंस वॉल्ट सजेस्टेड दैट द वर्ल्ड वुड बी मच बेटर इफ द प्रॉब्लम्स वर रिजॉल्व्ड बाय अ फुटबॉल मैच इंस्टेड ऑफ वॉर. और फिर हंस ने बोला कि ये जो दुनिया है बहुत ही अच्छी जगह हो जाएगी अगर जो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जो सारे तकलीफें हैं हम उनको अगर फुटबॉल मैच की तरह रिजॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें, बजाय कि एक दूसरे से लड़ने के. द सेलिब्रेशन आफ्टर द फुटबॉल मैच ऑल द ड्रिंक्स एंड ईटेबल्स वर कंज्यूम्ड. फुटबॉल मैच के बाद जितने भी ड्रिंक्स थे जितने भी खाने वाले सामान थे सबको कंज्यूम किया गया, सबको खा लिया गया. Now it was time to part. अभी समय आ गया था कि वो आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएं. Part का मतलब था दूर होना. Hans Wolf saluted Macpherson, और Hans Wolf ने Macpherson को salute किया and walked away slowly and unwillingly. और फिर वो नहीं ना चाहते हुए भी उनको जाना पड़ा. That night the Germans were heard singing a carol. और फिर उन्होंने जो German soldiers थे उनको कैरल गाते हुए सुना. द इंग्लिश सोल्जर्स रिप्लाइड विद अ राउजिंग कोरस ऑफ अनदर कैरल. और जो इस साइड जो इंग्लिश सोल्जर्स थे उन्होंने भी अपनी साइड से कैरल गाया. कोरस का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक साथ गाना गाते हैं. दे एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर अ व्हाइल एंड देन इट वाज ऑल साइलेंस. कुछ टाइम के लिए उन दोनों सैनिकों ने दोनों टुकड़ियों ने कैरल गाया. Macpherson wrote in his letter that he would treasure those moments all his life. Macpherson ने अपने letter में ये लिखा कि वो उन moments को उन पलों को अपने पूरी life तक treasure करके रखेंगे, खजाने की तरह रखेंगे. The hope. Macpherson ended the letter hoping that the war would end soon. और फिर Macpherson ने जो letter था उसको खत्म किया और वो ये होप कर रहे थे, ये आशा कर रहे थे कि जो वॉर है जो युद्ध है वो जल्दी से ही जल्द खत्म हो जाएगा. बोथ आर्मीज लॉन्ग्ड फॉर पीस. और जो दोनों सैनिक थे दोनों साइड की जो टुकड़ियां थी वो चाहते थे कि शांति मिले हमें. एंड ही वाज श्योर दे वुड बी टुगेदर अगेन. और उनको इतना यकीन था कि वो दोबारा से एक साथ होंगे. नाउ लेट्स डिस्कस द बर्नट हाउस. Having read the letter, the author put it back in the envelope. अब क्योंकि उन्होंने लेटर पढ़ लिया था अब जो ऑथर है उन्होंने वापस उस एनवेलप में उस लेटर को रख दिया. He decided to give the letter back to whom it belonged. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो लेटर है जिन जिनसे जिनका है ये उनको हमें वापस कर देना चाहिए. The address was of Bridport, Dorset. और जो एड्रेस था वो Bridport, Dorset का था. So he drove to that place. फिर वो गाड़ी चला के वहां पे उस जगह पे गए. The house number 12 turned out to be a burnt out shell. और जो हाउस नंबर 12 था वो जला हुआ उन्होंने पाया कि वो घर जला हुआ है. It was found that Mrs. Macpherson was in the house when it caught fire. उन्हें ये भी पाया उन्हें ये पता चला कि Mrs. Macpherson उस समय घर में थी अपने जब इस घर को आग लगी. The fireman had got her out just in time. और जो फायरमैन थे उन्होंने उन्हें लास्ट मोमेंट पे बचा लिया.
शी वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, वो 101 साल की थी. नाउ शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, और वो अभी कहाँ है, वो नर्सिंग होम में है. मिसेस मैकफर्सन, द ऑथर वेंट टू द नर्सिंग होम, और जो ऑथर थे वो नर्सिंग होम गए. ही मेट द मैट्रन, मैट्रन होता है वो इंसान जो कि वहां पे बाकी पेशेंट्स की देखभाल करते हैं. शी टोल्ड द ऑथर दैट मिसिस मैकफर्सन वॉज रादर कंफ्यूज दैट डे, और उन्होंने ऑथर को ये बताया कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो कंफ्यूज रहती हैं. दे हैड पुट हर इन अ कंजर्वेटोरी, और उन्होंने उन्हें कंजर्वेटोरी में रख दिया है. कंजर्वेटोरी एक जगह होती है जहाँ पे इंसानों को रखा जाता है और वहां पे उनकी देखभाल की जाती है. द ऑथर फाउंड मिसेस मैकफर्सन सिटिंग इन अ चेयर, उन्होंने ऑथर ने पाया कि मैकफर्सन चेयर पे बैठी हुई है. नेचुरली शी लुक्ड अप एट द ऑथर वेकेंटली, और उन्होंने ऑथर को देखा. बट हर आईज लिट अप व्हेन ही कॉल्ड हर कॉनी, और फिर उनकी आंखें चमचमाने लगी जब जो ऑथर है उन्होंने उसे कॉनी बोला. एंड गेव हर द लेटर, और उनको लेटर दे दिया. ही टोल्ड हर हाउ ही हैड गॉट द लेटर, और फिर उन्होंने कॉनी को ये बताया कि उनको ये लेटर कैसे मिला. बट शी वॉज नॉट लिसनिंग टू हिम, पर वो उसको नहीं सुन रही थी. शी रीच्ड आउट एंड टुक हिज हैंड, वो आगे बढ़ी और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया. हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें आंसू से भर गई. शी फेल्ट दैट हर जिम हैड रिटर्न, और उनको लगा कि जो उनका जिम है वो वापस आ गया है. शी सेड दैट हर जिम हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने ऑथर को ये बोला कि जिम ने जो अपना जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा किया है. ही हैड रिटर्न्ड ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, और वो आज ही के दिन क्रिसमस के दिन वापस आ गए हैं. शी मेड हिम सिट बिसाइड हर, और उन्होंने कोनी ने जो ऑथर हैं राइटर हैं उनको अपने साइड में बिठाया. शी किस हिज चीक, और उन्होंने उनके गाल पे किस किया. शी टॉक्ड लॉन्ग एंड लविंगली टू हिम, और फिर उन्होंने उनके साथ बहुत लंबी लंबी बातें की, अच्छे से बातें की. शी सेड दैट शी हैड गॉट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और उन्होंने ऑथर को ये बोला कि उनको ये दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट मिला है. सो दिस इज द समरी ऑफ दिस फर्स्ट लेसन एवरीवन. आई होप यू एंजॉयड दिस. थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. Thank you for attending this session. Do share and subscribe to this channel for more lessons like this. Check out other video lessons by clicking on the video.